नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे उज्जैन में। बीजेपी नेता की हत्या का मामला सामने आया है। बीजेपी नेता के पत्नी की भी हत्या की गई है। लूटपाट के बाद हत्या की आशंका जताई गई। देवास रोड के पिपलोदा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। तो लूटपाट के इरादे से बीजेपी नेता की हत्या, उज्जैन से बड़ी खबर। जहां उज्जैन में बीजेपी नेता के साथ ही उसकी पत्नी की भी हत्या की गई। लूटपाट के बाद हत्या की आशंका जताई गई है। देवास रोड के पिपलोदा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। तो आशंका यही जताई जा रही है कि लूट के इरादे से बदमाश आए थे और लूट के बाद हत्या की गई है। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और अब जानकारी कि देवास रोड के पिपलोदा गांव में बीजेपी नेता के साथ ही उनकी पत्नी की भी हत्या की गई, बड़ी खबर है उज्जैन से। तो चौंका देने वाला पूरा घटनाक्रम, जहां बीजेपी नेता की हत्या, बीजेपी नेता की पत्नी की भी हत्या की गई। लूटपाट के इरादे से बदमाश आए थे और हत्या की आशंका व्यक्त की गई है। सीधे रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता अजय पटवा जुड़ गया। अजय, क्लियर करें कि ये हत्या है या ये लूट के इरादे से हत्या की गई है या कोई पुरानी रंजिश और कोई विवाद? ये देखिए, उज्जैन से 20 किलोमीटर दूर की घटना है। पिपलोदा गांव है, नरवल थाना क्षेत्र में आता है। यहाँ पर जो है पति और पत्नी की हत्या हुई है। बताया जा रहा है भाजपा नेता हैं ये। हाँ। और संभवतः यही जताया जा रहा है कि लूट के इरादे से घर में जो है जघन्य हत्या की गई है और सुबह के वक्त की ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी लगते ही आला अधिकारी घटना स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल अभी जो है पूरी जाँच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार हत्या का कारण क्या था, या लूट की घटना थी या फिर और कोई कारण है। अभी फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर पुलिस जांच के लिए रवाना हो चुकी है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि घटनाक्रम क्यों हुआ। हमारे साथ उज्जैन से एसपी सचिन शर्मा जी जुड़ गए हैं। सचिन जी, ये पूरा घटनाक्रम जो सामने आ रहा है, बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या की गई है, जानकारी क्या है? क्या ये कोई रंजिश थी या लूट के बाद ही हत्या की आशंका है? उज्जैन जिले में ग्राम पिपलोदा खोर द्वारका बीच में जो घटनाक्रम हुआ है, वहाँ पे दो मृतक पाए गए थे। इसमें घटनास्थल की अभी तक जो समीक्षा की गई, निष्कर्ष पाया गया है, तो उसमें यही है कि सारी जो संभावनाएं हैं वो खुली हैं। ज्यादा संभावनाएं यही हैं कि अपरिचित अज्ञात लोग के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया, पूर्व की रंजिश नहीं थी जी। पर अभी से बता पाना, क्योंकि सुबह की ही घटना है, 3-4 घंटा हुआ है, तो निष्कर्ष यदि हम निकालते हैं तो वो विवेचना के साथ समझौता होगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सचिन जी। तो उज्जैन एसपी सचिन शर्मा जी का कहना है कि बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या हुई है। फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं है, जांच होगी और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि हत्या के कारण क्या है, क्या कोई रंजिश है, कोई विवाद है, या फिर लूट के बाद या लूट के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया गया, इस वारदात को अंजाम दिया गया। और एक बार फिर से रुख करेंगे अजय का। अजय, एसपी ने साफ किया है कि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, क्या और भी कुछ आसपास से जानकारी मिल पाई है कि कोई भी विवाद कभी रहा हो या ये जिस वक्त ही इस वारदात को अंजाम दिया हो, कोई भी भनक किसी को नहीं लगी? जी देखिए, जिस तरीके से सचिन शर्मा ने बताया कि घटना स्थल अभी कुछ घंटे पहले का ही है, जिसको लेकर जांच की जा रही है। जांच के बाद जो है आसपास के लोगों से पूछताछ की जाएगी और ये पता किया जाएगा कि आखिरकार घटनाक्रम को अंजाम कैसे दिया गया है, क्योंकि क्या कारण रहा होगा जब इतना बड़ी जघन्य हत्या की गई है, तो इसके पीछे क्या पहलू है जो जिसके कारण ये हत्या जैसी घटना घटित हुई है, ये सब जाँच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अभी फिलहाल जो है पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में जाँच की जा रही है। जी जी बिल्कुल, जांच तो की ही जा रही है और साथ ही बहुत ही आश्चर्य की बात है कि एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है, वारदात हो जाती है और कानो कान किसी को खबर भी नहीं लगती। कुछ वक्त पहले का हालांकि आप मामला बता रहे हैं, कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है? देखिए, अभी पुलिस मौके पर पूरे घटना स्थल का मौका मुआयना किया जा रहा है, लोगों से बयान लेने की जो है
पहले पंचनामा डॉट पर डेड बॉडी का, और इसके साथ ही एफएसएल की टीम है और डॉग स्क्वाड को बुलाया है ताकि अजय जानकारी के लिए। तो पुलिस मामले की जांच कर रही है और अब जांच की जाएगी, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार हत्या के कारण क्या हैं।